dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. सलाम अलैकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों। दिल्ली में 31 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनियां हैं उन सभी से मैं खुद बात कर रहा हूं ताकि हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सके। कोई चाहे कितने रुपए में भी वैक्सीन दे, हम दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए जितना भी बजट खर्च करना पड़े हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों से ये भी अपील की है कि जैसे अभी तक आपने लॉकडाउन को फॉलो किया है उसी तरह आगे भी जारी रखेंगे। आगे उन्होंने बताया कि दिल्ली में सभी का वैक्सीनेशन करना हमारी पहली कोशिश है ताकि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से बच सके। वैक्सीन की कमी पूरे देश में है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य था जिसने दूसरी लहर के खतरे को भांप कर सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए शहीद हुए डॉक्टर्स और नर्सेज के हम कर्जदार हैं। इनके परिवार को दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। उन्होंने बताया कि वो खुद जाकर उनके परिवार से मिलते हैं और उनको 1-1 करोड़ रुपए की राशि देते हैं। दिल्ली में वैक्सीन की कमी होने के चलते आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब सारी दुनिया तमाम वैक्सीन को मंजूरी दे रही थी तब भारत सरकार सो रही थी और आज भी सो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कहती है कि राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले लेकिन उसने अभी तक वैक्सीन कंपनियों को मंजूरी ही नहीं दी है। वहीं मनीष सिसोदिया का कहना है कि अमेरिका ने अपने यहाँ 2020 में ही फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दे दी थी लेकिन भारत ने आज तक इन तीनों वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। दुनिया के कई देशों ने अपनी आबादी से ज्यादा के लिए वैक्सीन खरीद कर रख ली है लेकिन भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आगे उन्होंने बताया कि रूस ने 2020 अगस्त में ही स्पुतनिक वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी और फिर पिछले साल ही उन्होंने वैक्सीन लगानी शुरू भी कर दी और हमने उसे अप्रैल 2021 में जाकर मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन ने दिसंबर में फाइजर को मंजूरी दी और अभी भी हम सो रहे हैं। अब तक 85 देशों ने फाइजर को मंजूरी दे दी है और इसी तरह मॉडर्ना को 46 देशों और जॉनसन एंड जॉनसन को 41 देशों ने मंजूरी दे दी है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना मंजूरी दिए केंद्र सरकार ने अभी तक वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है और राज्यों से कह रही कि ग्लोबल टेंडर निकाले। अब वैक्सीन कंपनियां राज्यों से डील करने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मैं केंद्र से अपील करता हूँ कि यह बीमारी बहुत ही ज्यादा गंभीर है और केंद्र सरकार से जल्द वैक्सीन दिलवाने के लिए राज्यों को दी जाए। बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की तो प्रदेश में ब्लैक फंगस ने 7 और पेशेंट्स की जान ले ली है। शनिवार देर रात आगरा में 2 जबकि रविवार को मेरठ और वाराणसी में 2-2 पेशेंट्स की मौत हो गई है। वाराणसी जिले में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। BHU में एडमिट फंगस से ग्रसित 2 पेशेंट्स ने दम तोड़ दिया जबकि 10 नए पेशेंट्स BHU हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने पहुंचे। अब BHU में ब्लैक फंगस के पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें 6 पेशेंट्स की अब तक मौत भी हो चुकी है जबकि 78 पेशेंट्स का इलाज अभी भी चल रहा है। BHU हॉस्पिटल के MS प्रोफेसर KK गुप्ता ने बताया कि यहाँ लगातार ब्लैक फंगस के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो वहीं आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में रविवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मामले और आए हैं। ब्लैक फंगस वार्ड के प्रभारी डॉक्टर अखिल प्रताप ने बताया कि SN में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 19 पेशेंट्स आ चुके हैं, इनमें से 2 पेशेंट्स की शनिवार रात को मौत हो गई। तो वहीं गोरखपुर जिले में पहली बार व्हाइट फंगस के सिम्टम्स दिखने वाले 3 पेशेंट्स मिले हैं। इसी के साथ ये सब कोविड पॉजिटिव भी हैं जिनका इलाज BRD मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में चल रहा है। एक युवक पर पत्नी को 3 तलाक देने और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पति देवर और पति के चाचा के खिलाफ पुलिस को शिकायत भी दे दी है। पीड़िता का कहना है कि पति उससे 50,000 रुपए की मांग कर रहा है, नहीं देने पर गाली गलौज किया है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि रेलवे रोड के एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने 2018 में आरोपी युवक से लव मैरिज की थी।
बताया जा रहा है कि महिला के पति पर पहले से ही कुछ क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इस बात पर आए दिन दोनों में झगड़ा होता था। ऐसे में युवक ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इसके बाद युवक किसी केस में जेल चला गया। इसी बीच महिला मायके में आकर पढ़ाई करने लगी। आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी ने महिला से 50,000 रुपए मांगे। मना करने पर शादी के बाद मोबाइल से बनाए गए पत्नी के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। 19 मई को आरोपित अपने चाचा के साथ पीड़िता के घर पहुंचा और रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी देने लगा। और उसके अगले दिन आरोपी का भाई घर पर बाहर खड़ा होकर गाली गलौज भी करने लगा। पीड़ित महिला ने मना किया तो उस पर भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। दादरी के SHO राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर ही जांच की कार्रवाई की जाएगी। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से नजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।